कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे। मैं हूँ सुमन, सुमन के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे 6 टिप्स जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए मेरी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बोनस टिप दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप ज़रूर देखिएगा। अब मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। चलिए मैं आपके लिए जरूरी टिप्स लेके आई हूँ। देखिए ये है काजू। बिल्कुल आपको ऐसे रखना है, चींटियां ना लगे इसमें, कीड़े न पड़े, घुन वगैरह लग जाते हैं तो आपको इस तरह से रखना है। काजू भी, किशमिश, बादाम और अखरोट, ये ड्राई फ्रूट को आपको रखना है तो आप इसी कंटेनर में करके आप फ्रिज में रख दीजिए। आपका जब चाहे तब ज्यों का त्यों बना रहेगा और न कीड़े लगेंगे न घुन लगेगा, बिल्कुल आप ऐसे ही मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको सबसे यूजफुल टिप्स दे रही हूँ, 5 यूजफुल टिप्स। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में आपको बोनस टिप्स दूंगी, पूरी वीडियो देखने के बाद मिलेगी आपको। चलिए सबसे पहले इलायची पाउडर। आप मार्केट में जाओ, इलायची पाउडर बहुत ही महंगा मिलता है तो आप घर में किस तरह से बनाएं, इलायची को आप फ्रीजर में रख के आप पाउडर आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में आप रख दीजिए। देखिए एक इलायची मैंने पहले से ही रख रखी थी फ्रीजर में। अब मैं इसको चल रही हूँ मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बनाने। आप पाउडर बना के अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, हल्का दरदरा या पाउडर फाइन पाउडर, तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। चलिए दिखाते हैं। देखिए कितना फाइन, देखिए कितना फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुल ही। देखिए हम आपको पास से दिखा रहे हैं, देखिए कितना फाइन पाउडर बनके तैयार हुआ है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा टिप है, देखिए ये है अदरक, हमने छील के ले लिया है धुल के साफ करके। और लहसुन, ये भी हमने जैसे अचानक मेहमान आ गए, आपको लहसुन छीलने में बहुत ही पंगा है तो आप क्या करो, इसको छील के एक साथ आप रख लीजिए खाली टाइम में। और इसको देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिया है। अब इसका मैं पेस्ट बना लूंगी मिक्सर जार में डाल के। इससे क्या होगा कि आप 1 महीने तक फ्रिज में रख के आप यूज कर सकते हो किसी भी सब्जी में। आप जहां जरूरत हो अदरक और लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और चलिए एक थोड़ी सी 2 चम्मच पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें आप किसी भी डिब्बे में आप रख के और फ्रिज में रख दीजिए। आपका ये महीनों तक आप फ्री हो गए। कहीं भी आपको डालना है अदरक और 1 चम्मच पेस्ट उठाइए, सब्जी में डाल दीजिए और जो भी डिश बनाना है आपका फटाफट तैयार हो जाएगा। देखिए तीसरा टिप है, ये है चने की दाल। देखिए ये है चने की दाल। आपको कलर अलग लग रहा है ना, सोच रहे हैं कैसी दाल है, तो मैं आपको बता रही हूँ, इसी की टिप्स दे रही हूँ। आप कोई सा भी दाल, चाहे खड़ी उड़द हो, मूंग हो, कोई सा भी दाल हो, आप उसको, मैं दिखा रही हूँ आपको, दिखाऊंगी भी। देखिए इस दाल में मैंने 6 महीने से हो गया चने की दाल, न बिल्कुल घुन है न कीड़ा है। इसमें आप थोड़ी सी 1 चम्मच तेल मिला के किसी भी दाल में आप रख दो, सालों साल दाल आपकी ज्यों के त्यों रहेगी। आप जब चाहो धुल के बना लो। देखिए कोई सा भी दाल हो, इसमें भी आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, खास करके सरसों का तेल यदि लगाएंगे ज्यादा सही रहेगा। इसमें लगा के इस तरीके से आप मिला के रख दीजिए, आपका सालों साल खराब नहीं होगा। चाहे मूंग हो, उड़द हो, कोई सा भी दाल हो, चने की दाल हो, आप न घुन पड़ेंगे न कीड़े लगेंगे। चाहे बरसात में भी रखोगे आपका ज्यों का त्यों रहेंगे।
चलिए चौथा टिप है चीनी। आप देख रहे हैं चीनी, चीनी की जगह आप कोई भी मीठा ले सकते हैं, गुलाब जामुन या कोई भी मीठा, आप कोई जैसे घर में रखा है, बरसात में क्या होता है कि कहीं भी रख दो चींटियां आ जाती हैं। कोई सा ऐसा मीठा होता है जो फ्रिज में नहीं रखा जाता, तब बाहर रखोगे तो चींटियां परेशान करती हैं, तो इसलिए चीनी भी आप रख दोगे तो उसमें चींटी घुस जाती है। तो उसके लिए है कि आप कहीं भी जैसे मीठा आप रखो तो थोड़ी सी आप नमक, ये है नमक, थोड़ी सी आप इसके नीचे या थोड़ा सा आसपास इसके थोड़ा सा नमक इस तरीके से आप कर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करके यहाँ मीठा आप रख दीजिए। आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, चींटी पास भी नहीं घूमेगी। तो यह हो गया चौथा टिप्स। चलिए अब इसको आप आजमा के जरूर देखिएगा, यदि आप किसी डिब्बे में रखे हैं तब नमक के डिब्बे के ऊपर रख दीजिए, नमक के डिब्बे के ऊपर मीठा रख देंगे तो आपका खराब नहीं होगा, न चींटियां वहां तक पहुंचेंगी भी नहीं। चलिए पांचवा टिप्स आपको दिखाते हैं। देखिए दही कितनी अच्छी जमी है, बिल्कुल परफेक्ट। आपको ऐसी दही जमानी है तो आपको क्या करना होगा, आप मेरी वीडियो देखिएगा। देखिए ऐसी दही बिल्कुल आपका हटेगी नहीं, दही बिल्कुल देखिए ऐसी दही। तो आपको जमाने के लिए हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, हल्का गुनगुना दूध को इस तरीके से आप किसी भी बर्तन में जिसमें जमाना चाहते हैं उस तरीके से हल्का गुनगुना दूध इस तरह से डाल दीजिए। और जावन के साथ जब इसमें से एक चम्मच आप इसमें जावन डालेंगे, उसके साथ आप दो मिर्ची, डंठल सुधा भी आप डाल सकते हो, ऐसे मिर्ची आप डाल के जावन डाल के आप ढक के रख दीजिए। देखिए परफेक्ट दही जमेगी इस तरीके से। चलिए बोनस टिप आपका ये है कि आप लंबे टाइम तक यदि सूजी को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कैसे रखें, आप इसको हल्का कढ़ाई में ब्राउन कर दीजिए, हल्का रोस्ट करने के बाद यदि रखेंगे तो आपका देखिए सालों साल सूजी आपका खराब नहीं होगा, न कीड़े पड़ेंगे न घुन पड़ेंगे, इसमें कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से आप रखेंगे रोस्ट करके तो कीड़े नहीं लगेंगे। चलिए मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और मेरी वीडियो आप फुल वॉच करेंगे, फुल वॉच करके कमेंट करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए लेके आने के लिए, इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।